एक महात्मा की कथा में बहुत सुंदर कथा आती है, इसको श्रवण करने का प्रयास करना। दो भाई थे, सत्राजित और प्रसेनजित। श्री कृष्ण के समय की बात है। सत्राजित ने सूर्य देव की उपासना की। देवी भागवत के महात्मा की यह कथा है। जब सूर्य देव की उपासना की तो सूर्य देव ने इनको एक मणि दी, श्यामंतक मणि, और वो पावन मणि को प्राप्त करके इसका यश कीर्ति और बढ़ गया। व्यक्ति उपासना करता है कि उसकी शक्तियां और सिद्धियां बढ़े। इसने सूर्य देव की उपासना की तो इसकी सिद्धि और शक्ति भी बढ़ी और साथ में वो मणि भी प्राप्त करी। लेकिन जब मणि प्राप्त की और ये लौट कर सूर्य देव से उस मणि को सुशोभित करके आ रहे थे तो पूरे द्वारिका वासियों ने समझा था कि ये सूर्य ही होंगे, तो साक्षात सूर्य मानकर उनको प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सूर्य नहीं, ये तो सत्राजित है। ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य की मणि को प्राप्त करके चमक रहा है। उससे जो मणि मिली है सूर्य देव से, उस मणि को प्राप्त करके ये चमक रहा है, ये सिद्ध हो गया है, इसकी कीर्ति बढ़ गई। प्रसन्न था उस मणि को पा करके, क्योंकि 8 भार सोना वो रोज देते थे, उससे 8 बार सोना मिलता था। और ऐसी मणि थी कि जिस स्थान पर जो वो मणि रहती थी वहाँ कोई रोगी नहीं होता था, सदैव के लिए निरोगी हो जाता था, कोई दुखी नहीं रहता था, प्रसन्न हो जाता था। हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा चिंतन किया कि ऐसी मणि जो सोना भी देती है और जो निरोगता भी और कल्याण भी देती है, तो ऐसी मणि तो समाज के कल्याण के लिए उपयोग होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। तो नारद जी के द्वारा संदेश भिजवाया, लेकिन ये बात उसको समझ नहीं आई, मना कर दिया कि ये मणि मैंने प्राप्त की है तो मेरे ही पास रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ न कहा, शांत हो गए। एक दिन इस मणि को इसी सत्राजित का भाई प्रसेनजित धारण करके जंगल शिकार के लिए निकल गया। शिकार के लिए जब वो निकला तो मार्ग में शिकार करने तो निकला था पर खुद शिकार हो गया, शेर ने इसी को समाप्त कर दिया। उस शेर को ऋक्षराज जामवंत जी ने समाप्त किया और उस मणि को लेकर अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। लेकिन यहाँ द्वारिका में इस सत्राजित ने ये बात फैला दी कि मैंने मांगने पर श्री कृष्ण को मणि नहीं दी थी, इसलिए मेरी मणि को चोरी करने का जो आरोप वो कृष्ण के सर पर मढ़ दिया। मेरे भाई को मारना और मणि की चोरी करना ये द्वारिकाधीश का काम है, ये श्री कृष्ण ने किया है। अरे हम और आप तो बहुत बहुत ही सामान्य है, यहाँ तो समाज ने श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को भी चोरी का आरोप लगाकर आरोपी बना दिया। ये मणि कृष्ण ने चुराई है और मेरे भाई को भी कृष्ण ने ही मारा है, ये सत्राजित ने जब कहा तब भगवान दुखी हुए, मणि लेने के लिए चल दिए। मार्ग में मृतक प्रसेनजित दिखा, मणि नहीं थी लेकिन प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा था, कुछ निशान से थे, उन पर चलकर आगे देखा तो वो सिंह भी मरा हुआ मिला जिसने प्रसेनजित को मारा। और आगे बढ़े तो वहां से गुफा जा रही थी। भगवान ने चिंतन किया कि ना हो यही मणि कहीं आसपास होगी, ये सिंह जहां मरा पड़ा है और यहीं से कुछ चिन्ह इस गुफा की ओर गए हैं, तो मणि कहीं यही होगी। द्वारिका वासियों को खड़ा किया, द्वार पर खड़े रहना, मैं जब तक न लौटूं यहीं रहना। भगवान श्री कृष्ण अंदर प्रवेश कर गए। अंदर जब गए, बाहर खड़े लोगों ने प्रतीक्षा शुरू कर दी। समय बीतता चला गया। भीतर जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने
जो जामवंत थे उनसे युद्ध किया, मणि का आग्रह किया, उसने मणि नहीं दी तो फिर युद्ध प्रारंभ हुआ और 27 दिन तक निरंतर भगवान का और जामवंत ऋक्षराज जामवंत जी का युद्ध चलता रहा। परंतु जो बाहर खड़े लोग थे उन्होंने 12 दिन तक प्रतीक्षा की, सोचा कि अब तो श्री कृष्ण यहाँ होंगे नहीं, न आने वाले, आने वाले है नहीं। एक दिन देखा, दो दिन देखा, 10 दिन 12 दिन हो गए। उन्होंने लौट करके द्वारिका में सबसे कह दिया कि द्वारिकाधीश का प्राणांत हो गया, अब वो लौटने वाले नहीं हैं। ये बात जब वसुदेव जी ने सुनी बहुत दुखी हुए, कष्ट हुआ मेरे पुत्र पर। एक तो चोरी का आरोप लगा, दूसरा प्राण भी उसके ले लिए इस आरोप ने। दुखी हुए वसुदेव, तो नारद जी का आगमन हो गया। अब नारद जी ने उस दुख की निवृत्ति के लिए फिर यहाँ देवी भागवत महापुराण की कथा वसुदेव जी को श्रवण कराई है और वसुदेव जी ने निरंतर इस कथा को श्रवण किया और कथा श्रवण करते हुए माँ भगवती की उपासना की और भगवान के लौट आने के लिए यह भाव रखा। जब 9 दिन तक भगवती की उपासना की, 9वें दिन जब पूर्ण आहुति दे करके कथा को श्रवण विश्राम करके फिर जब ब्राह्मण भोज कन्या भोज इत्यादि करा रहे थे तभी भगवान श्री कृष्ण जामवती के साथ प्रकट हो गए। उनको देखकर वसुदेव प्रसन्न हुए हैं और बहुत बहुत बार बार धन्य धन्य कहा है, हे माँ आदिशक्ति, हे माँ भवानी, हे भगवती, मेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। केवल जामवती को लेकर ही नहीं, उस मणि को लेकर के भी भगवान आए हैं और उस मणि को फिर जाकर सत्राजित को दिया है। तब उसको ग्लानि हुई मन में, मुझे क्षमा करना है प्रभु, मैंने आप पर झूठा आरोप लगाया, मुझे क्षमा करना। भगवान ने क्षमा किया और सब कुछ व्यवस्थित किया। माने देवी की उपासना से कोई कितना भी बड़ा कष्ट हो वह सब कष्टों को हरने वाली कहलाती है, इसलिए सारे कष्टों से हम दूर जाते हैं।